तो दोस्तों मल्टीवर्स ऑफ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार मैंने आपके लिए ओपन किया था रेडमी 4, आज मैं आपके लिए ओपन करने वाला हूँ रेडमी नोट 4। जी हाँ दोस्तों, ये है रेडमी नोट 4 और जो मॉडल है वो है रैम 3GB और रोम 32GB मॉडल है। और इसका अगर कलर की बात की जाए तो ये ब्लैक कलर की है। तो चलिए इसका फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये बॉक्स मैंने ओपन किया, ये ओपन हो गया। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर मिल रहा है जो मॉडल Redmi Note 4 का। तो यहाँ पर मैं इसको उठाता हूँ और पीछे आपको मिलेगा एज यूजुअल यूजर गाइड और मैनुअल बुक। और ये है आपका Redmi Note 4, इसको हम बाद में देखते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक माइक्रो यूएसबी डाटा केबल, यहाँ पर एक अडेप्टर जो कि है 5V और 2A की, यानी कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। इसमें कोई हेडफोन सेट तो नहीं दिखता है। और यहाँ पर एक सिम डिटेक्टर टूल, तो देख लेते हैं कि सिम कार्ड कैसा है। यहाँ पर तो जैसे कि आपको दिखा है कि यहाँ पर एक सिम इजेक्टर टूल्स में से निकला है। यहाँ पर है सिम 1 के ऑप्शन और ये है सिम 2 की ऑप्शन है। एक हाइब्रिड सिम सॉफ्ट के होने का यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ऊपर आपको मिलता है आईआर ब्लास्टर, यानी कि आप टीवी को भी या कंप्यूटर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हेडफोन जैक, यहाँ पर ये वॉल्यूम अप डाउन बटन, ये है ऑन ऑफ स्विच। यहाँ पर तो मैंने फ़ोन की सारे स्टिकर हटा दिए हैं सामने से और पीछे से तो दिख रहा है कि आपको ये सामने से बहुत ही सुंदर एक 2.5D का गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है। और पीछे से ये है मेटल यूनिवर डिज़ाइन, सामने ऊपर और नीचे है प्लास्टिक यूनिवर्डी। और यहाँ पर जो एक शाइनी जो सिल्वर कलर की ये जो स्ट्राइक किया है, ये एंटेना बैंड है। और हमको दिखेगा कि इसके अंदर 4100mAh का बैटरी मिलता है। बस अगर प्रोसेसर की बात किया जाए तो ये स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर। तो अगर हम देखेंगे कि Redmi 4 और Redmi Note 4 से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइज के थोड़ा डिफरेंस है, बाकी लुक सेम वाइज ही है। और अगर थिकनेस की बात किया जाए तो दोनों ही सेम थिकनेस की हुआ बना हुआ है और दोनों के लुक्स भी बिल्कुल सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन बटन, ऑन ऑफ स्विच भी सेम है। यहाँ पर पीछे का ये जो स्पीकर ग्रिल और माइक्रो एसबी, ये भी सेम है। और ऊपर से भी ये आईआर ब्लास्टर, थोड़ा सा पोजिशन चेंज है लेकिन लुक्स के मामले में दोनों ही फोन लगभग सेम है। लेकिन यहाँ पर कैमरा यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर कैमरा ये फिंगरप्रिंट के ऊपर दिया हुआ है और फ्लैश भी यहाँ पर फिंगरप्रिंट के ऊपर दिया हुआ है, जबकि Redmi 4 का फ्लैश यहाँ पर कैमरे के पास दिया हुआ है। तो यही डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कि इसके मोबाइल के अंदर के फीचर्स। तो चलिए देखते हैं कि अब फिंगरप्रिंट इसका कैसा है। तो चलिए देखते हैं कितनी बार में ये फिंगरप्रिंट सेट होता है। सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चलिए 12 बार भी कंप्लीट हो जाता है। अभी देखते हैं लॉक करने के बाद कितने टाइम पे ये अनलॉक होता है। ये लॉक किया, कमाल है, ये लॉक किया, अनलॉक, वेरी गुड। अबाउट फोन की बात की जाए तो देख सकते हैं आप, मॉडल नंबर Redmi Note 4 है, एंड्रॉइड वर्जन 6.0.1 है, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल है 2017.4.1, MIUI वर्जन है 8, मैंने अभी तक इसको 9 पे अपडेट नहीं किया है। CPU अगर देखा जाए तो यह है ऑक्टाकोर मैक्स 2.0 GHz प्रोसेसर के ऊपर है, जो कि है स्नैपड्रैगन 625, यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया है, पता नहीं क्यों। अच्छा, रैम दिया हुआ है एक 3GB। इंटरनल मेमोरी की बात किया जाए तो 32GB में से 23.42GB अवेलेबल है। तो यही है इसके अंदर। मैं यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सिस्टम अपडेट, जैसे अपडेट हो जाएगा MIUI 9 पे ये अपडेट मिल जाएगा आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास है Redmi Note 4 ब्लैक कलर की
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसका अनबॉक्सिंग पसंद आया, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला वो भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो आपको बार बार देखना है और मल्टी अनबॉक्सिंग में ऐसे बहुत सारे गैजेट्स और टॉयस जैसे भी आएगा उसको आपको देखना है, तो आप जो नीचे जो है रिंग बेल बटन वो भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अब अगले वीडियो में आपसे फिर से मिला।